नमस्ते फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। मैं अनिमेश दासगुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस ट्रेनर। आज बात करूंगा कि आप जिंदगी में कैसे हैप्पी, हमेशा खुश रहे। देखिए, 5 टिप्स दूंगा, अगर ये अप्लाई कर लिया अपनी जिंदगी में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएगा। देखिए, नंबर 1, रिमेंबर योर हैप्पी मोमेंट। देखिए, जिंदगी में दुख आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, समस्या आ सकती है, लेकिन आपके बीते हुए दिन में जो आपका हैप्पी मोमेंट था, हैप्पियर मोमेंट था, हैप्पीएस्ट मोमेंट था, खुश था, जब आप के जिंदगी में खुशियाँ थी, वो खुशियों के बारे में आप सोचें। जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था उसको माइंड में रिमेंबर करिए, री रिमेंबर करिए, रिमाइंड करिए, तब जाके आपको एक हैप्पीनेस एहसास होगा। नंबर 2, फोकस व्हाट यू हैव। देखिए, अगर जिंदगी में आप खुश रहना चाहते हो तो जिंदगी में आपको हमेशा सोचना चाहिए कि आपके पास क्या है। देखिए, व्हाट यू हैव, आपके पास क्या क्या है, इसके एक लिस्ट तैयार करिए, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में, आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में, आपके बैंक अकाउंट्स में, आपके आसपास में, दोस्त में, सोशल मीडिया में, बिजनेस में, लाइफ में, एडुकेशन में, आपके पास जो जो है वो आपके पास क्या क्या है, व्हाट यू हैव, उसके लिस्ट तैयार करिए, तब जाके आपको लगेगा जो आपके पास अभी भी बहुत कुछ है जिसको लेकर आप खुश रह सकते हो और हैप्पी फीलिंग्स महसूस कर सकते हो। नंबर 3, जो टाइम आपको एम्प्टी मिल रही है, लाइक जब आप स्विमिंग पूल पे हो, या बस पे हो, या प्लेन पे हो, या ट्रेन में हो, या अकेले कुछ जगह पर बैठे हो, या लिफ्ट में जा रहे हो, तब जाके आपको रिमेम्बर करना होगा वो मोमेंट, जो मोमेंट आपके पास खुशी का था। देखिए, उस टाइम पे आप लोनली फील कर रहे हो, अलोन फील कर रही हो, आप एकाकित्व में डूब चुके हो, इसीलिए आपकी जो खुशियों और खुशियाँ है जिंदगी में उसके बारे में उस एम्प्टी टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा। इससे आपका एहसास होगा कि आपके पास हैप्पी रहने का, हैप्पी होने का बहुत सारा वजह है। नंबर 4, सेल्फ लव। देखिए, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो तो आप एक्टर, एक्ट्रेस, टॉप क्लास लीडर्स, टॉप क्लास पॉलिटिशियंस, टॉप क्लास बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी लोगों को फॉलो करो। देखिए, वो लोग हमेशा मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो सेल्फ लव में बिलीव करते हैं। देखिए, जिंदगी में आपको खुद को प्यार करना सीखना होगा, सेल्फ लव, खुद को लव करिए, खुद को लाइक करिए, खुद को वैल्यू दीजिए, खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए खुद को बोलिए, आई लव यू माई सेल्फ, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं खुद को प्यार करता हूँ। देखिए, जब आप सेल्फ लव करेंगे, खुद को अच्छा महसूस कराएंगे, खुद को रेस्पेक्ट करेंगे, सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यूएबल, सेल्फ इमेज आपको जिंदगी में और हैप्पी मोमेंट और हैप्पीएस्ट मोमेंट और हैप्पियर मोमेंट आपको खुशियों से भर देगा। नेक्स्ट, एफर्मेशंस। देखिए, एफर्मेशंस क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव एफर्मेशंस। गॉड सेज आई एम दैट आई एम, मतलब आई एम बोल के जो आप बोलेंगे। देखिए, हमारे माइंड 2 तरह के हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। आगे कॉन्शियस माइंड है चेतन मन, बाहर सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। तो आपको ये एफर्मेशंस हमेशा बोलना चाहिए, एफर्मेशंस होना चाहिए, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया की, इस धरती की सबसे बड़ा खुशनुमा आदमी हूँ, औरत हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। देखिए, टुडे इज़ वेरी ब्यूटीफुल डे, टुडे इज़ वेरी हैप्पीएस्ट डे, टुडे इज़ वेरी हैप्पियर डे, आज बहुत खूबसूरत दिन है, आज बहुत खुश होने का दिन है। देखिए, धन्य महसूस करिए, अफर्मेशंस बोलिए, आई एम हैप्पी, ये हमेशा बोलते रहे, ताकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो हैप्पीनेस फीलिंग है। देखिए, वी आर मैग्नेट, हम लोग चुंबक है, हम जिस तरह का सोच रखेंगे वही जिंदगी में आएगा। अगर आप खुशनुमा जिंदगी को सोचेंगे, हैप्पीएस्ट मोमेंट के बारे में सोचेंगे, हैप्पी रहने के बारे में सोचेंगे, तो आपकी जिंदगी में, आपकी दिन ब दिन जिंदगी में हैप्पीएस्ट मोमेंट और खुशनुमा दिन आने लगेगा। अगर आप ज़्यादातर टाइम पे खुशी के बारे में सोचेंगे तो खुशी रहेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, एक बोनस पॉइंट, हमेशा मुस्कुराते रहिए, लैफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लैफ्टर इज द मेडिसिन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। जिंदगी में प्रॉब्लम आते रहेगी, समस्या आते रहेगी, दुख आते रहेगी, लेकिन आपको मुस्कुराना चाहिए। देखिए, जब आप मोबाइल पे सेल्फी लेते हो तो एक मुस्कुराने से सेल्फी कितना अच्छा होता है, तो अगर एक मुस्कुराने से सेल्फी अच्छा होता है, माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों,
आप भी मुस्कुराइए, सेल्फी भी अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी भी अच्छा होगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुल के हंसिए और हमेशा लोगों को प्यार करिए, लोगों को रेस्पेक्ट दीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बार बार आके हमारे वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए, बेल आइकॉन हिट करने के लिए और हमारे कोर्स लेने के लिए, एडवर्टाइज स्पॉन्सरशिप देने के लिए, प्रमोशन करने के लिए दिल की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बी हैप्पी ऑलवेज।